किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को आप देख रहे हैं? आप कहते हैं कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना लगाया जा रहा है, और मनीष जी बिल्कुल पाक साफ हैं, वो शिक्षा के जनक हैं, लेकिन सीबीआई की अपनी कवायद है, और जिस तरीके से कोर्ट ने आपके खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो फैसला दिया, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अगर देश में यही पॉलिसी दिल्ली में भी है और यही पॉलिसी पंजाब में भी, अगर ये पॉलिसी गलत होती तो दोनों जगह गलत होती। अगर इस पॉलिसी में कुछ खामियां होती तो इस पॉलिसी को पास करने वाले जो केंद्र से बीजेपी द्वारा एलजी लाए गए थे वो भी इसमें शामिल होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पॉलिसी से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या हुआ। उनको आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा है, उनको अरविंद केजरीवाल से खतरा है, और इसी के तहत उन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को देश में शिक्षा की क्रांति का जनक माना जाता है। लाखों करोड़ों लोग बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया आज जेल में है, लेकिन देश के गरीबों के लाखों करोड़ों लूटने वाले अडानी को एक नोटिस तक नहीं है। ये पूरी की पूरी 2024 को लेकर तैयारी है। आम आदमी पार्टी की बहुत तेजी से बढ़ती लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल का बहुत तेजी से बढ़ती लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ विस्तार, इससे ये भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। 174 से ज्यादा मुकदमे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और हमारे विधायकों पर हुए, जिसमें 135 में बरी हो गए और मामले लंबित है, उनमें भी हम हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है ईडी सीबीआई के माध्यम से आज पूरे देश में अपोजिशन की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लेकिन आज अपोजिशन ढेर सारे देश के बड़े नेता एक साथ एकत्रित है और उन्होंने इस गिरफ्तारी का विरोध जताया है और ये बताया है कि मनीष सिसोदिया बेहद ही नेक और अच्छे इंसान है और उनको सरकार ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है इसका अंजाम होगा। और पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया, जनता बाहर आई, पूरे देश में सबने रोज देखा और ये देखा कि अगर एक नेक और अच्छे व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करोगे, अगर राजनीति में अच्छा काम करने वाले को अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा, सब लोगों ने देखा।